आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका वैभव विस्तार ले रहा है, इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे, जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घाटों का
घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50-60-70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।